अब हम जिन फंक्शंस की बात कर रहे हैं, कुछ बड़े कॉमन और यूजफुल फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है मेरे पास पार। जब मैंने किसी चीज़ की पार लेनी होती है, मसलन 2 की ताकत आपने अगर 5 लेनी है तो ये कैसे लेंगे? मीन्स अगर आप इसको कुछ इस तरह से फॉर्मेट करते हैं तो आप इसको पता ही है, सुपर स्क्रिप्ट 2 रेज टू पार मैंने लेनी है, यानी 2 की ताकत 5 जो है वो मैंने लेनी है। सॉरी, मैं इसी सेल में लिख दिया, जस्ट गो देयर 5। स्क्रिप्ट के कंट्रोल 1 बॉर्डर वाइट की तरफ मैंने बॉर्डर लगाए, व्यू ठीक है, इट्स इक्वल टू 2 रेज टू पावर 5। अब ये अगर आपने लेनी हो तो कैसे लेंगे? फिलहाल मैं ग्रे डाउन रखता हूँ। मैंने अगर 2 की ताकत 5 लेनी है तो इस तरह का काम करने के लिए हम यूज करेंगे फंक्शन पार। पार कैसे यूज करते हैं? इक्वल पार ब्रैकेट स्टार्ट, अब वो नंबर बताएं, कोमा उसकी पार बताएं। तो इसका मतलब है ये इसने किया क्या है, जरा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसने किया है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सो 5 टाइम्स उसने 2 को लिखकर मल्टीप्लाई किया, जिससे कि आ गया ठीक। बट अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ 0.5 कर दूँ, फिर ये क्या कर रहा है? फिर ये उसका जजर ले रहा है। जजर कैसे लेते हैं? अंडू करते हैं। जजर कैसे लेते हैं? उसके लिए तरीका होता है SQRT, स्केयर रूट। कैसे? इक्वल SQRT ब्रैकेट स्टार्ट, जिस भी वैल्यू का आपने स्केयर रूट लिया तो ये इसके इक्वल होगा। यानी आप कह सकते हैं कि 2 का जजर 1.41 के बराबर होता है ठीक। सम और स्केयर रूट पार, पार बेसिकली स्केयर रूट पार की ही एक किस्म है जो हमारे पास इस तरह से आती है। अगर मेरे पास कुछ नंबर है तो जमा करना तो हमने सीख लिया, क्या हम उन्हें ज़रा भी दे सकते हैं? तो मेरे ये 3 4 नंबर हैं 5 नंबर है, बेसिकली मैं इनका प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ। प्रोडक्ट के लिए फार्मूला इक्वल प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्ट एंड देन दिस, तो ये इनको ज़रब करके आपको आंसर रिटर्न कर देगा। ये प्रोडक्ट के लिए जो है फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट कुछ स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर आपने स्टैट पढ़ी है तो इट्स वेरी कॉमन। मैंने एक सीरीज ली जो कि एक्स सीरीज है, एक सीरीज ली जो कि वाई सीरीज है। मैं यहाँ 1 2 3 4 5 ले लेता हूँ, यहाँ आप कोई भी डबल वैल्यूज जो है वो ले लें। कैलकुलेशन करते हुए मुझे हो सकता है एक्स वाई कैलकुलेट करना हो, एक्स स्केयर कैलकुलेट करना हो, या वाई स्केयर कैलकुलेट करना हो। मैंने कहा एक्स वाई के लिए आप एक्स को मल्टीप्लाई करवा दें किसके साथ? वाई के साथ। ट्रैक करते हैं, आपके पास आंसर आता है गॉट टायर्ड अगर मैं इस तरह से करता रहूँगा, लेकिन मजबूरी है जी, इस तरह ही करना है। हमने इनको जरब दी, ये मेरा आ गया वाई स्केयर लेना है, दिस मल्टीप्लाई बाय अगेन दिस, सो इट वॉट लाइक दिस, ये इस तरह से आ गया। फिर इनके नीचे गए, बॉटम में जाके मैं इनका सम ले लिया। सम लेने के बाद मैं इसको इस तरह से गेन करता हूँ। अब ये मेरा एक्स का सम है, वाई का सम है। ये तो बड़ी आसान सी बात थी कि एक्स और वाई तो लिखे ही हुए थे, तो ये तो मैं सम सिंपल आर्ट इक्वल करके भी सम ले सकता था। बट अब मुझे इनके ना प्रोडक्ट्स का सम लेना है। अगर आपने ये डायरेक्ट कैलकुलेट करना हो, क्योंकि यहाँ जो आपने कैलकुलेशन की है, यहाँ जो आपने कैलकुलेशन की है वो आपके पास रिजल्टेंट और तरह से आया है। अब मुझे यही डायरेक्ट आंसर चाहिए यहां पर, मैं ऐसे करता हूं नॉर्मल स्टाइल। ये कुछ इस तरह से आया, लेकिन अब मैं ये डायरेक्ट लेना चाहता हूँ तो इसको हम बोलेंगे सम स्केयर। अगर आप स्केयर लेना चाहते हैं, सम प्रोडक्ट अगर आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, देखिए कैसे लेंगे। मैंने कहा इक्वल, बड़ा सिंपल तरीका, सम प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्ट
ये मेरी एक्स प्रोडक्ट थी कोमा, अरे का मतलब सिमिलर टाइप, ये मेरी वाई प्रोडक्ट थी। अब देखिए करेगा क्या, पहले कहता है प्रोडक्ट, 1 को 65 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 को 45 से, 3 को 4 से, 4 को 5 से, 5 को 65 से मल्टीप्लाई करेगा यानी सम प्रोडक्ट, और फिर उनको जमा कर लेगा। तो जैसे मैंने एंटर किया तो देखिए 512 जो कि यहाँ पर आपके पास आंसर है एक्स वाई का वो आ चुका है। क्लियर है जी सबको? अगर आपने सम स्क्वायर डायरेक्ट निकाला हो, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसलिए करके दिखाया था ताकि मैं प्रूफ कर सकूँ कि क्या हुआ है। सम स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, अब डायरेक्ट अगर आपको स्टैट आती है तो स्लोप ऑफ लाइन निकाल सकते हैं, रिग्रेशन निकाल सकते हैं, कोरिलेशन निकाल सकते हैं, ये डायरेक्ट फार्मूले एक्सेल के अंदर निकल आते हैं। अगर आपको सम स्क्वायर लेना है, मैंने एक्स वाली वैल्यू का सम स्क्वायर कर दिया, और अगर आप वाई वाली वैल्यूज का सम स्क्वायर लेना चाह रहे हैं अगेन सम स्क्वायर यूज करेंगे, इक्वल सम स्क्वायर देन ब्रैकेट स्टार्ट और फिर वाई की वैल्यूज को आप सेलेक्ट कर लें तो आपके पास ही इनका सम स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है जी सबको? तो इस तरह से आप सम के इन फार्मूलों को अपने पास यूज कर सकते हैं, और ये फार्मूले आपके पास जो है वो इस तरह से अपनी वैल्यूज जो है वो रिटर्न करते हैं या आपको अपनी फंक्शनलिटी जो है वो परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। यहाँ तक अगर वो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? ओके, अब जो फार्मूला हम डील करने लगे हैं वो हमारे पास है कुछ लॉजिकल फार्मूलाज, दोज आर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला। अगर आप बेसिकली आर्किटेक्चर फील्ड में जाएंगे यानी कंप्यूटर आर्किटेक्चर के हवाले से, उसकी 0-1 की लैंग्वेज के हवाले से, सो दीज फार्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फार्मूला है नॉट, नॉट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले मेरे पास एक इनपुट है, हम इनपुट को पी से गेन करते हैं और आउटपुट इसकी कह लेते हैं कि हमारे पास क्यू आएगी। अब आप सबको पता है कि कंप्यूटर बाइनरी नंबर पर काम करता है, तो बाइनरी में मेरी इनपुट क्या हो सकती है, या तो वो होगी फॉल्स यानी जीरो ऑफ, या वो होगी ट्रू वन यानी ऑन। अब अगर आप कहीं भी नॉट यूज करते हैं यानी मैं क्यू नॉट पी कह दूं इसको, ये मेरी क्यू पी की बेसिकली रिजेक्शन फॉर्म है, सॉरी, तो फिर मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि ये उल्ट हो जाएगी, यानी जहां जीरो लिखा है वहां मैं चाहता हूं वन हो जाए और जहां वन लिखा है वहां जीरो हो जाए। तो कैसे करेंगे, मैंने कहा इक्वल, बड़ा सिंपल सा फार्मूला नॉट, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ये इनपुट दें और एंटर करें, आपकी इनपुट पहले फॉल्स थी अब वो उसको ट्रू कर देगा, और जहां इंफॉर्मेशन पहले ट्रू थी अब वो उसको फॉल्स कर देगा। क्लियर है जी सबको? ये था पी और पी का नॉट, पी का नॉट पी कैप से भी शो किया जाता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा हुआ कि चले नॉट तो मैं क्लियर हो गया, मेरे पास दो इनपुट है, एक इनपुट पी है एक इनपुट क्यू है, अगर मेरे पास दो इनपुट है तो फिर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, फॉल्स 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 ट्रू, नो तरतीब से चलना है, पहले 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 फॉल्स के केसेस और फिर आपने ट्रू वाले केसेस जो हैं वो डील करने हैं। क्लियर? यानी ये मैंने उनकी सैंपलिंग की है, 0 0 0 1 1 0 1 1। क्लियर है जी? अगर यही कॉम्बिनेशन तीन पे चला जाए, चले पहले दो पे समझते हैं फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंशन ही रखता हूँ। दोनों पे जीरो, एक पे जीरो, एक पे वन, एक पे वन, एक पे जीरो, वन वन, ठीक है जी। अब मैं कैलकुलेट जो समझाने वाली बात है वो भी दिखाता हूँ, क्योंकि करने की दफ़ा आपने सिर्फ जो है वो आपने सिर्फ कैलकुलेट करना होता और कुछ भी नहीं होता। समझने वाली बात ये है कि मैं आज डील कर रहा हूँ एक फंक्शन जिसका नाम है और फंक्शन, और बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, उस वक्त यूज़ किया जाता है जब हम ये कहें कि कोई भी आने वाली इनपुट अगर ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है,
इन अदर वर्ड्स मैं कह सकता हूं, जब तमाम इनपुट्स फॉल्स होंगी तो सिर्फ ये फॉल्स रिटर्न करेगा। क्लियर है जी सबको? यस सर। मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर कोई भी इनपुट ट्रू होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, देखते कैसे। बड़ा ही सिंपल, मैं निकालना चाहता हूं पी और क्यू, पी और क्यू का और लेना है। कैसे लेंगे? इक्वल और कुछ भी नहीं करना, पी और क्यू। बेसिकली अभी आपको जो जीरो वन लग रहे हैं ना, यहां हमारे लॉजिक्स होंगे कि ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, ये बड़ी है बराबर है, ये छोटी है बराबर है, बराबर है बराबर नहीं है। तो मैंने यहां जाके एंटर किया, देखिए अभी क्योंकि दोनों ने रिजल्ट किया रिजेक्शन, तो इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया, जबकि अगले केसेस में देखें ट्रू आ। क्लियर है जी सबको? नेक्स्ट, इसी का एक रेसिप्रोकल है ये समझ लें। दूसरा एंड, एंड क्या होता है? ये सिर्फ उस वक्त ट्रू होता है जब तमाम इनपुट्स ट्रू होंगे, या कोई भी इनपुट अगर फॉल्स हो गई तो ये फॉल्स हो जाएगा। देखते हैं कि इसको हम कैसे डील करते हैं। कोई ऐसी साइंस नहीं है, पी एंड क्यू हमने कह दिया इक्वल एंड पी एंड द क्यू, सो आई जस्ट ड्रैग इट डाउन लाइक दिस, सो यू गॉट द ट्रू एट द वेरी लास्ट एंड व्हेन बोथ इनपुट्स आर ट्रू। जब दोनों इनपुट्स ट्रू हैं तो ये ट्रू रिटर्न करता है, इसे हम ट्रूथ टेबल भी कहते हैं। मैं फिलहाल यहाँ जाता हूँ और ये जो मैंने फॉर्मेटिंग की थी इसको ख़त्म कर दिया। मेरे पास कुछ राउंड अबाउट इस तरह की लुक जो है वो आ गई है। ओके कर देते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। अब कोई कहता है कि सर अगर तीन इनपुट हो जाए फिर क्या पॉसिबिलिटी होगी? देखिएगा पी क्यू आर, कॉम्बिनेशन बनाते हैं जीरो 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 वन, देन जीरो। अब देखें इस पे वन आएगा, वन एंड देन फिर जीरो। अब इसका आसान सा तरीका ये है कि मैं इसको मिटाता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, ड्रैग कर लेता हूँ। आपको पता है एक्सेल में जब हम इस तरह से ड्रैगिंग करते हैं कंट्रोल दबाकर, तो वैल्यूज रिपीट होती हैं। इसके दो, इसका एक, इनको दो दफ़ा ड्रैग कर लेना। और अगर आपने सैंपलिंग पढ़ी है तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आपको इशू होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये होगी मेरी चार वैल्यूज जीरो के साथ और फिर एक इनपुट है। आपको पता होना चाहिए मैंने तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पे लिए हैं। जस्ट गो देयर, मुझे कैलकुलेट क्या करना है? कुछ भी आप कह लें, क्या कैलकुलेट करें? मैं कहता हूँ पी और क्यू और आर। अगर आप इस तरह लेते हैं ना तो फिर आपके पास पहले कॉम्बिनेशन होना चाहिए पी और क्यू का। तो मैं यहां गया, मैंने कहा पी और कैसे करते हैं एंड आर कर लें, चेंज हो जाएगा। ठीक है, पी बड़ा कर लें और क्यू भी बड़ा कर लें, फिर चेंज ये अब हो गया। अब मैं कहता हूं पहले पी और क्यू लेंगे। ठीक है, कैसे लेंगे? इक्वल और पी कोमा क्यू, ये पी आर क्यू आ गया, इसको ड्रैग कर लें। फिर आप लेंगे एंड आर, देखिए कैसे लेता हूं, एंड पी आर क्यू एंड आर ड्रैग, देखिए जीरो जीरो जीरो। सिर्फ उस जगह ट्रू होना था जहां बोर्ड ट्रू 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 ट्रू। क्लियर है जी सबको? अभी जब ये लॉजिक्स में आएगा फिर आप इसे ज्यादा अच्छी तरह पिक कर सकते हैं। होप करते हैं कि आपने पी और क्यू, पी एंड क्यू, पी नॉट, तो ये आपने चीजें जो है इनको आप कॉन्सेप्ट वाइज जो है वो पिक कर चुके होंगे। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन पूछने वाला तो आप पूछ सकते हैं।